हे गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पबजी और इंडियन सीएसगो की। साथ ही आपको बताएंगे इंडियन पबजी सीन में हो रहे कई सारे रोस्टर शफल्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द शो। मैं हूं राधिका और आपके लिए लेकर आई हूं ईस्पोर्ट्स 360। एक और नया दिन और एक और नई उम्मीद हमारी अंडरडॉग टीम्स के लिए, जो कि पूरी मेहनत से कोशिश कर रही है इस टूर्नामेंट में अपना नाम बनाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पीएमआईएस के राउंड वन के फिफ्थ डे के बारे में। पांचवें दिन लास्ट चार ग्रुप्स के मैचेस होने हैं और हर ग्रुप को दो मैच खेलने को मिलेंगे इरांगल और सैन हॉक में। ग्रुप 12 तक मैचेस हो चुके थे, अब ग्रुप 13 के मैचेस होने जा रहे हैं। पहला मैच इरांगल में शुरू हुआ, जहां लूप स्टॉर्म ने शानदार चिकन डिनर हासिल किया। एएलजी ऑफिशियल ने सेकंड और टीम एक्सपर्ट ने थर्ड प्लेस हासिल की। दूसरे मैच सैन होक में भी लूप स्टॉर्म ने चिकन डिनर हासिल किया। एंगल और टीम आर्मी ने सेकंड और थर्ड प्लेस अपने नाम की। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में लूप स्टॉर्म ने फर्स्ट, एंगल ने सेकंड और टीम एक्सपर्ट ने थर्ड पोजीशन हासिल की। 13th ग्रुप के बाद अब 14th ग्रुप के 16 टीम्स के मैचेस होने थे। पहले मैच इरांगल में वॉरलॉक्स ने चिकन डिनर हासिल किया। टीम मेहम और शिवाय ईस्पोर्ट्स ने सेकंड और थर्ड प्लेस अपने नाम की। दूसरे मैच सैन होक में शिवाय ईस्पोर्ट्स ने चिकन डिनर हासिल किया। वॉरलॉक्स और 2OP लेजेंड्स ने हासिल की सेकंड और थर्ड पोजीशन। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में वॉरलॉक्स ने फर्स्ट, शिवाय ईस्पोर्ट्स ने सेकंड और टीम मेहम ने थर्ड प्लेस हासिल की। 14th ग्रुप के बाद अब 15th ग्रुप के मैचेस होने थे। पहले मैच इरांगल में ईजी सैड ने चिकन डिनर हासिल किया। आरएन ऑफिशियल और द गॉडफादर्स ने सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल की। दूसरे मैच सैन होक में ओआरबी ऑफिशियल ने 9 किल्स के साथ चिकन डिनर हासिल किया। मिराकल ईएस और पर्पल माफिया ने सेकंड और थर्ड प्लेस अपने नाम की। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में ईजी सैड ने फर्स्ट, ओआरबी ऑफिशियल ने सेकंड और द गॉडफादर्स ने थर्ड पोजीशन हासिल की। 13th, 14th और 15th ग्रुप के बाद अब बारी थी आखिरी ग्रुप के मैचेस की। पहले मैच इरांगल में 100cc ईस्पोर्ट्स ने चिकन डिनर हासिल किया। नोमैड्स ऑफिशियल और फोर फ्रेंजी शूटर्स ने सेकंड और थर्ड प्लेस अपने नाम की। दूसरे मैच सैन होक में एजटेक्स ईस्पोर्ट्स ने 13 किल्स के साथ चिकन डिनर अपने नाम किया। टीम कट थ्रोट और जेनो ऑफिशियल ने सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल की। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में 100cc ईस्पोर्ट्स ने फर्स्ट, एजटेक्स ईस्पोर्ट्स ने सेकंड और नोमैड्स ऑफिशियल ने थर्ड प्लेस हासिल की। PMIS के पांचवें दिन के साथ ही राउंड वन होता है खत्म और अब यहां से टॉप टीम्स जाएंगे क्वार्टर फाइनल्स में। तो अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे उन टीम्स की क्वार्टर फाइनल्स की जर्नी। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ESL इंडिया प्रीमियरशिप मास्टर्स लीग के बारे में, जहां चल रहे हैं CSGO के सेमीफाइनल मैचेस, जहां अपर ब्रैकेट में अपने सारे मैचेस जीत के ग्लोबल ईस्पोर्ट्स फाइनल्स में पहुंच गई थी। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स से हारने के बाद लोअर ब्रैकेट में गई ब्लेज ईस्पोर्ट्स एक बार फिर फाइनल्स में ग्लोबल ईस्पोर्ट्स से भिड़ने पहुंची, लेकिन इस बार ग्लोबल ईस्पोर्ट्स हिस्ट्री रिपीट करने में नाकामयाब रही और BO1 में ब्लेज ईस्पोर्ट्स के हाथों 16-9 से हार गई। यहां से टॉप चार टीम्स गई सेमीफाइनल्स में, जहां ब्लेज ईस्पोर्ट्स ने रेकनिंग ईस्पोर्ट्स को हरा के फाइनल्स में एंट्री ली। दूसरी तरफ अभी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स और फीनिक्स ईस्पोर्ट्स के बीच हुए मैच में फीनिक्स ईस्पोर्ट्स ने 16-13 से जीत दर्ज की और अब उसका सामना फाइनल सीडिंग गेम में ब्लेज ईस्पोर्ट्स से होगा। आखिर में अब हम बात करेंगे इंडियन पबजी मोबाइल सीन में हो रहे रोस्टर शफल्स के बारे में, जहां यू मुंबा ईस्पोर्ट्स ने अपनी लाइनअप में करे हैं कई सारे चेंजेस। इंडियन ईस्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन यू मुंबा ईस्पोर्ट्स ने अपना पबजी मोबाइल रोस्टर अपडेट किया है। उन्होंने PMIT चैंपियंस रिवेंज ईस्पोर्ट्स का कंप्लीट रोस्टर एक्वायर कर लिया है। ये टीम PMIT चैंपियंस होने के साथ साथ PMCO 2020 फाइनलिस्ट भी है और हाल ही में PMIS सेमीफाइनल्स के लिए भी इस टीम ने क्वालिफाई करा है। आपको बता दें कि यू मुंबा ईस्पोर्ट्स पबजी मोबाइल, डोटा 2, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और CSGO में कम्पीट करती है। उम्मीद करते हैं कि अपने नए कंसिस्टेंट रोस्टर के साथ यू मुंबा अब अपने आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको मिलूंगी अब अगले एपिसोड में और कई सारी ई स्पोर्ट्स की अपडेट्स के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू ई स्पोर्ट्स 360।